I want to dedicate this video to real fighter who overcome his brachial plexus injury, Mr. Fazal, his family, especially his father and mother, and the medical professionals involved in his BPI rehabilitation. Kindly watch this video and get inspired. Fazal, क्या problem थी? ये feedback हम लोग brachial plexus injury के लिए बना रहे हैं और Fazal बताएंगे कि क्या कैसे रहा. तो मेरा एक्सीडेंट 1 जनवरी 2019 को हुआ था. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, काफी सिवियर. तो उसके अंदर मेरा शोल्डर पैरालाइज था और भी मतलब बहुत ऐसी चीजें थी, लेकिन मुझे वो इसी वजह से मम्मी पापा ने मेरे को और डॉक्टर्स ने भी कहा कि फिजियोथेरेपी शुरू करो. ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी हो गई थी, MRI हुई थी. इट्स नोन कि ब्रेकल प्लेक्सस जो है इंटैक्ट हो गया था, इंजर्ड हो गया था. के बाद जैसे फिर मैंने यहाँ पर जनवरी की ये चीज थी, तो शुरू का एक महीना था, फिर मैं हॉस्पिटल में था लाइफ सपोर्ट पे. उसके बाद जैसे ही मैं केपेबल हो पाया कि बाहर चल पाऊं, तो मैं इधर आना शुरू कर दिया मैंने बहुत रेगुलर बेसिस पे. मार्च से हम लोगों ने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी थी. जी जी, मार्च मार्च 2019 से फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई और अप्रैल लास्ट तक काफी मूवमेंट आ गया, लेकिन जो रिकवरी की स्पीड थी वो थोड़ा स्लो था. फिर हम लोगों ने प्लान किया कि सर्जरी नीडेड है, यदि हम लोग टाइमली करते हैं तो काफी अच्छा आ जाएगा. फिर सर्जरी मैंने अपना जयपुर में SMS में कराई और अप्रैल लास्ट में कराई थी हम लोगों ने, अप्रैल लास्ट 2019 में कराई. उसके बाद से फिर फिजियोथेरेपी कब शुरू हुई हम लोग? फिर मेरी फिजियो स्टार्ट करी है मैंने मई एंड से हम लोगों ने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी और फिजियोथेरेपी लगभग हमें लग रहा है कि अक्टूबर 2019 तक चली है. उस समय तक हम लोगों का प्रोग्रेस काफी अच्छा गया था, हाथ उठने लगा था और बाय प्रोफेशन ये काफी अच्छा जो है म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, तो इन्होंने गिटार वगैरह बजाना शुरू कर दिया था. आई होप कि आपने अपनी प्रैक्टिस काफी अच्छी शुरू कर दी थी. जी जी, उस टाइम भी मैंने स्टार्ट कर लिया था और अब तो बहुत बेटर हो गया मूवमेंट्स. अब मूवमेंट्स काफी बेटर हो गया और आई होप आप लोगों ने देखा आज का हम लोग का है 4 मार्च 2021 में हम लोग बैठे हैं रूटीन एग्जामिनेशन के लिए और जैसा आप वीडियोस देख रहे हैं कि 5 kg का वेट, जो पीला वाला डंबल है ये 5 kg का है, इसको ये बहुत ही स्मूथली मूव कर पा रहे हैं और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है. क्यों फजल? जी बिल्कुल, मैं भी फील करता हूँ. मैं कह रहा हूँ कि ये जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, यदि इसको मैं अपने किसी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के पेशेंट को दिखाता हूँ या फिर इसको अपनी वेबसाइट पे कहीं मैं डालता हूँ, तो आपको कोई आप आप इसका कंसेंट दे रहे हैं कि औरों को भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं इस तरह का एक जो है ना? बिकॉज यदि मैं बात करूँ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का, तो ये बहुत ही इसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब हम सर्जरी कराएं कब न कराएं, और कराने के बाद लोगों में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आए. जबकि बोलते हैं कि हर टेक्नोलॉजी हर चीज अपना एक अपना टाइम लेती है. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि 2019 की इंजरी जो है और आज हम 21 में यदि बात करें तो 19 से 20, 20 से 21 आज के डेट में 5 kg व्यक्ति उठा रहा है और ही इज टोटली सेटिस्फाइड इन हिज प्रोफेशन एंड करेंटली ही इज इन अ टॉप, अपने प्रोफेशन में काफी अप लेवल पे है. तो मैं सबको यही बोलूंगा कि BPI की प्रॉब्लम क्योर हो सकती है और 100% क्योर हो सकती है. डेफिनेटली.